देखो भाई, उर्दू यूनिवर्सिटी का बेसिक जो पूरा नाम है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो इसको फास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं फास, बेसिकली ना एक्सेंट पे फोकस करें, फास में थोड़ा जोर लगा रहे हैं। ईमान हमें बड़ी खास बात बता रही है। ईमान, क्या सीन है? ओह माय गॉड, ये देखें, यहाँ तो नाला लाई भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी में सब कुछ मिलता है यार। खुदा का खौफ करें, ये टॉप फ्लोर पे आके मतलब माउंटेन में भी इन्होंने क्लास रखी है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की और क्लास दे रहे थे। अगर आपको पिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता ना, हमारी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लाजमी मिलता है। हम लोग जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, मुश्किल हो रही है। ये बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है ये, मुश्किल है, मुश्किल मंजिल है। मैं बहुत दूर है, अभी दो फ्लोर और रहते हैं तो ऊपर पहुंच के आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खातिन आज़ाद भाइयों और बहनों, मस्तूर और मस्तूरात। आज हम लोग आए फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको उर्दू में बोलें तो क्या कहेंगे? वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। वफाकी उर्दू जामिया बोलेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे भाई। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी का टूर करेंगे, देखेंगे यूनिवर्सिटी कैसी है। ठीक है भाई, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी पहले ही लग रही है। और हमारे साथ बहुत ही खास खास लोग हैं, अपना अपना तारुफ कराते जाएं। सर, कुमैल नाम है। और ये बताएं कि यूट्यूबर भी हूँ। हाँ, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। हमारे साथ अपना तारुफ कराएं, आप भी अपना तारुफ कराएं, आप भी अपने चैनल का तो बताएं। ओके, चैनल की हम बाद में बात करेंगे, पहले आप सबको गैस दिया कि आपने यूनिवर्सिटी घूमनी है तो हमें यूनिवर्सिटी घुमाएंगे आप लोग। बिल्कुल बेशक। वैसे सच्ची बात बताऊंगा, यूनिवर्सिटी आके मुझे बड़ा मजा आया। फर्स्ट इंप्रेशन यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा था। अब तो वो सारी बीच की बातें आप लोग बताएंगे कि बीच की बात क्या है। बस सीक्रेट्स बताते हैं आप यूनिवर्सिटी। चलो जी, हम यूनिवर्सिटी के कट्टे चट्टे आज खोलेंगे, मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का टूर स्टार्ट करने से पहले बात यह है कि मैं आपको एक मजे की बात कि यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ही आती है, बट इस्लामाबाद में बिल्कुल साइड पे करके एक गांव में इन्होंने बनाई है। तो फुल यूनिवर्सिटी वाली जो प्रॉपर फिल्म में वाइब होती है ना, ये उसकी वाइब आ रही है। ठीक है, और ये मौजूद है बहरिया इनक्लेव के साथ। इस गांव का नाम क्या जहां पे ये मौजूद है? कुरी शहर। गांव है, बट गांव कह सकते हैं, लेकिन भाई लेवल है। देखो, लेवल इसलिए है कि सामने मार्गला के पहाड़ हैं, मतलब फुल आपको हिल्स और क्या माउंटेन्स और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। देखो भाई, यूनिवर्सिटी शहर से इतनी दूर है, 30 मिनट मुझे अगर आते हुए लगे तो स्टूडेंट जो रोज आते हैं उनका क्या हाल होता होगा, पूछते हैं सर से। सर बताएं क्या सीन है। मैं लास्ट सेमेस्टर की बात बताऊँ तो मैं पूरा सेमेस्टर जो है लास्ट में जो है ना बस में आता रहूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, ठीक है, 7 बजे खड़ा हो जी, स्टॉप पे खड़े हो, ठीक है, इंतज़ार करो, बस ऐसे रुकती भी नहीं, इशारा देखिए रुको भाई रुको, इस तरह कर रुकना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आओ जी खड़े हो जी, जगह भी नहीं होती थी बस में, ये बड़े इशूज़ थे। और जो बस थी हमारी यूनिवर्सिटी की, पहले 2-4 बसें थी हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी, विद द बेस्ट ऑफ टाइम जो है फिर उन्होंने जो फिर बताई वाली बस है, अब ओ जो बाहर बसेज खड़ी है वो यूनिवर्सिटी की है। कसम से मुझे लगा कि ये कोई अड्डे की बसेज है यार, वो इन्होंने ले लिए। ये लोग और जो है वो जो बस ड्राइवर उन्हीं तरह चलाते हैं, फुल जो है बस बुक होती है उसी स्टाइल में, जैसे जैसे बसें निकलती हैं, छत भी फुल होती है ये सिस्टम। तो फिर इस समय से मैंने तोबा की, मैंने हाँ क्या होते हैं फरारियां आती हैं हर तरह की हमारे, क्या बात है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है ईमान। ईमान ने हमें इनवाइट किया था यूनिवर्सिटी में, तो ईमान हमें टूर कराएंगे आप यूनिवर्सिटी का? जी, हम कराएंगे आपको टूर। चलें, लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, वैसे तो होना ये चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी के गेट से इंटर हो, वहाँ से शुरू हो, लेकिन हमारी आदत है कि हम हमेशा उल्टा करते हैं। तो अब हम आखिरी कोने में आए यूनिवर्सिटी के, यहाँ से हम यूनिवर्सिटी का टूर शुरू करा रहे हैं। सर आप बताएं, हम यहाँ क्यों आए इतना दूर कोने में आखिरी? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट लेना अच्छा है। गुड लॉजिक। लेकिन आपका नजर आ रहा है ये सामने ब्लॉग, ये वाला मीडिया सेल है। मीडिया का सेल नया बन रहा है यहाँ के, इसके अंदर बनेगा स्टूडियो। देखो भाई, अब यहाँ अभी क्लासेस भी नहीं हो रही है, हम उसके पास गए तो गार्ड ने कहा कि पुत्र साइड पे हो जाओ, लेकिन गार्ड बड़े यहाँ इज्जत देते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कसम से, नमल में पड़ के इज्जत नहीं मिलती है। क्या एंट्री भी जब हुई? ओए, एंट्री तो इजी सीन है, आप कहीं से भी आ सकते हो, कसम से कुछ नहीं, मसला ही कोई नहीं है, खुला सीन है, इवन दीवार टॉप के आ जाओ, इवन कहीं की जगह पे दीवारें भी नहीं है, तो एंट्री का तो बहुत चिल सीन है। तो जो यहाँ एडमिशन लेने से पहले विजिट करना चाह रहे हैं ना भाई, आओ, मसला ही कोई नहीं है। देखो भाई, ये मीडिया का ब्लॉक है, बाकी ये जो तीनों ब्लॉक्स है ना, ये मैनेजमेंट के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और जो असल स्टूडेंट्स का जो एरिया है ना, वो ये है, ये वो 3-4-5 ब्लॉक्स हैं जो हम सारे विजिट करेंगे। एक एक डिटेल तो नहीं बताएंगे, अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो ये लोग आपको बता देंगे, इनके चैनल्स का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने तो सरसरी क्या होता है उर्दू यूनिवर्सिटी बताए ना, बताओ सर, मुझे भी नहीं आती, यही मसला है, मेरी तो उर्दू लैंग्वेज भी नहीं है पहली वाली। तो खैर, हम यहाँ जाते हैं और जाके देखते हैं वो ब्लॉग्स कैसे हैं। ईमान हमें बड़ी खास बात बता रही है। ईमान, क्या सीन है? ओह माय गॉड, ये देखें, यहाँ तो नाला लाई भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, बिल्कुल नाला लाई पर तालीम के साथ साथ आपको नाले भी मिलेंगे, क्या बात है।
मतलब सही वो समंदर की वाइब दे, एंजॉय कर सकते हैं, बदबू तो नहीं आती, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते, बदबू तो नहीं आती, साफ सुथरा हो जाते हैं मसले। ओह शिट, लेकिन अभी हम असल उस एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ पे जामिया मौजूद है नाजरीन, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी है। वैसे मैं सच्ची बात हूँ, इनमें से कोई भी उर्दू नहीं बोलता ज्यादा, है ना, ये सारे बर्गर नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं, अभी तो पता चलेगा, अब पता चलेगा यहाँ बर्गर हैं या देसी हैं। भाई देखो ये यहाँ की टिपिकल बस, जो कि यूनिवर्सिटी की नेशनल बस है, लेकिन असल बसेस जो बहुत गेम वाली है वो तो मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा, क्योंकि वो अंदर नहीं खड़ी, तो असल गेम तो उन बसेस की है। खैर हम डिपार्टमेंट्स के भी पास पहुंच गए, जो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि यूनिवर्सिटी साफ बहुत है, बच्चे अच्छे हैं, कचरा नहीं करते, यही बात है, कोशिश तो करते हैं हम कोशिश करते हैं सफाई रखने की, ये बात। देखो यूनिवर्सिटी आपका अपना घर होता है, तो गंदा तो करना ही नहीं चाहिए उसको। क्या बात, तीनों हजरात हमारी वो अजीम हस्ती आ चुकी है जिनका सारे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वन एंड ओनली हमजा। आई सुना आप यू स्पीक इंग्लिश? यस ब्रो। वाओ वाओ, मुझे और नहीं आती, इतनी आती है और भी आती है, मैं अपनी बात करूं, मुझे इतनी आती है। ओके, वफाकी उर्दू जामिया में आप पढ़ के अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? जी बस कॉल सेंटर में काम किया, उसके बाद इंग्लिश थोड़ी सी हमारी अंग्रेजी टच आ जाता है। ओके, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मैस कॉम। ओके, तो ये है पीछे ब्लॉक, ये हमारा डिपार्टमेंट है, और बाहर से तो जितना खूबसूरत लग रहा है, अगर आप अंदर ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल इतना खूबसूरत नहीं है, फिर तो हम अंदर जाएंगे सर। तो चले आए हम आपको अपने डिपार्टमेंट की अंदर से खूबसूरती दिखा। चलो मैस कॉम देखते हो, देखते हैं क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। क्यों, चलो लेट्स गो। देखो भाई, उर्दू यूनिवर्सिटी का बेसिक जो पूरा नाम है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो इसको फास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं फास, बेसिकली ना एक्सेंट पे फोकस करें, फास फास पे थोड़ा जोर लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन वैसे ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई है भाई। आखिर में हम इसको रेटिंग देंगे 10 out of 10 कितना, लेकिन भाई मजा आया। और बताइए लाइब्रेरी है यहाँ पे? जी मैं तो आज तक गया नहीं हूँ, मुझे सुना है यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है। तो सवाई बातें सुनी है भाई, अगर आप कहो तो बता दो। मैंने देखी थी, इसमें लाइब्रेरी आ रही थी, अब देखते हैं। देखो यूनिवर्सिटी में लड़के बहुत कम लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ जाती हैं, तो आप लोग, इन्होंने भी कहा कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, आप गई हैं कभी? देखो लाइब्रेरी जाओ, वहाँ शोर नहीं, लेकिन हम आज देखेंगे लाइब्रेरी कैसी है, इंशाल्लाह वी विल ट्राई। और अभी हम छत पे जा रहे हैं, इससे भी ऊपर ट्राई करते हैं, अगर जा सकते हैं तो। और बाय द वे नीचे का व्यू देखें यार, क्या यहाँ के लुक्स हैं भाई। उर्दू यूनिवर्सिटी हमारा कौमी जुबान का नाम रोशन करेगी यूनिवर्सिटी, क्यों जी? देखो बेसिकली नाम लो और फील्ड हाजिर है। एक बात बताएं मुझे, हर फील्ड के अंदर मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें उर्दू सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में? सर वो हर जगह होता है, नहीं उर्दू नहीं है, नहीं मुझे सोचना पड़ेगा मेरे क्या सब्जेक्ट है। इन्होंने मेरे से पूछा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्या थे, और अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं थे, मुझे इसके नहीं याद, तो फर्स्ट बहुत दूर की बात है यार। इनके साथ तो जुल्म हुआ, इनके तो पूरे 2 semesters में उर्दू है। किसके? आपकी? आपको कौन सा डिपार्टमेंट है? मैस कॉम और उर्दू इतनी ज्यादा? कोई नहीं यार, कौमी जुबान, हमें इस बात पे गर्व है कि हम उर्दू के फखर होना चाहिए। अभी हम ऊपर चल के देखते हैं जा सकते हैं तो। इस ऊपर तो अल्लाह के पास ही है। मस्त जोक मारा यार, खुदा का खौफ करें, ये टॉप फ्लोर पे आके मतलब माउंटेन में भी इन्होंने क्लास रखी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की और क्लास ले रहे थे, यहाँ क्लास हो रही है, हम नहीं जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, लिहाजा वापस चलते हैं। हम आपको ना अपनी यूनिवर्सिटी की मेन जगह दिखाएंगे। क्या अगर आपको पिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता ना हमारी यूनिवर्सिटी में, आपको एडमिशन लाजमी मिलता है। ऐसी बात नहीं, गलत बात कर रहे हैं। इस बेचारे के 60% है, इसका यहाँ हो गया, नमल 1900 मिस करा दिया,
उसका हो गया। देखो भाई मतलब जिसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा वो यहाँ आ सकता है ना, आ सकता है लेकिन लेकिन इस चीज की हम गारंटी नहीं दे रहे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं भाई। क्यों नहीं, हमें गारंटी थोड़े से पैसे लगेंगे बस भाई के, पैसे नहीं हो जाएगा एडमिशन, 45% आपके होने चाहिए, एडमिशन हो जाएगा आपका। ओके क्लास हो रही है, आगे चलते हैं। गाइस वी आर इन उर्दू यूनिवर्सिटी एंड हमजा भाई विल टेल अस इन इंग्लिश अबाउट, ओके दिस इज द बीबीए डिपार्टमेंट, ओके दिस इज द मैथ्स, व्हिच वन, दिस इज द मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट, व्हेन एंड वेयर इज सीएस डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट इज राइट साइड, राइट, या या, ओके ओके थैंक यू, आई फुल स्टॉप इंग्लिश, ओके सीएस कौन सा है देखो भाई, क्या सीएस सामने, सीएस का ब्लॉग है ये, बीबी है और ये मैस्कॉम और इलेक्ट्रिकल, वैसे मैस्कॉम का ये बन रहा है आखिर में, लेकिन जब तक वो बनता मैस्कॉम वालों को यहाँ फेंका हुआ, यही बात है बेचारे। ये फिलहाल हम जा रहे हैं बीबीए वालों के ब्लॉग में और जहाँ जाके क्लासेस देखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि सबसे अच्छी क्लासेस यहीं की है, तो लेट्स सी क्या सीन है भाई। फाइनली हमें एक खाली क्लास मिली है, ये यहाँ की क्लास, ठीक है अगर आप यहाँ एडमिशन लेते तो यहाँ बैठ के पढ़ेंगे। मैम आप प्लीज़ हमें बताइए क्या कुछ इसके बारे में। ओह वाओ सर यही बात है, देखो क्लास की खास बात है कि यहाँ पे ना इस एरिया में बिजली नहीं है, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि यहाँ बिजली नहीं होगी, इन्होंने जनरेटर्स के साथ सारी बिजली यहाँ लगाई है, बट इनका कहना है कि एसीज नहीं है यहाँ पे फिलहाल तक, यही बात है, और एसीज लग रहे हैं, और अब हम नमल वाले गरीबों को क्या पता है कि एसी क्या होता है, वहाँ तो चांसेस ही नहीं है कोई, लेकिन है दुख की बातें बाद में कभी करेंगे। और यकीन मानो कि क्लास गर्म है, बाहर सर्दी थी यहाँ गर्मी है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन नेचुरली ये क्लास बहुत गर्म है, क्या बात है, स्मार्ट स्मार्ट डिजाइन, फाइनेंस और मैथ्स वगैरह पढ़ाते हैं इसलिए गर्म है। ओह कैसे की बात होती है, हम लोग जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, मुश्किल हो रही है, ये बात है, बहुत ज्यादा मुश्किल रास्ता है, ये मुश्किल है, मुश्किल मंजिल है, मैं बहुत दूर है, अभी दो फ्लोर और रहते हैं तो ऊपर पहुंच के आपसे मिलते हैं। देखो भाई इन्होंने तो हमें बहुत ही कुछ स्पेशल चीज़ दिखा दी है, क्या दिखाया ईमान हमें बताओ, पहले हम छुपा लेते हैं इनकी नेशनैलिटी। ओके तो भाई ये लिखा है कि वी विल सून गेट मैरिड, एवरीवन इज वेलकम टू आवर सेरेमनी, बेस्ट रिगार्ड्स डैश अबासी एंड डैश चूजा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, ये इन्होंने खुद लिखा है, लिखा होगा यार, खातिन और हजरात क्या क्या कह रहे हो यार, यार यूनिवर्सिटी में लोगों की शादियां हो रही है और हम वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, हमारा क्या बनेगा, हमने सोचा कार्ड का खर्चा कर क्या करना है, ऐसे ही लिख देते हैं लोग आ जाएंगे बस, ये आप तो नहीं है, नहीं ओके ओके नहीं। लेकिन देखो भाई यहाँ की बड़ी खास बात है, खास बात ईमान हमें बताओ कि जो बैकग्राउंड है, ये हमारा बैकग्राउंड ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन है, और जैसे कि आपने बोला कि रेंट पे हम ले सकते हैं बहुत, मतलब बिल्कुल, देखो देखो ये नीचे खेत है, ठीक है, लोग अपने मवेशी यहाँ पे लाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के साथ देसी सीन है, तो भाई जो फुल यूनिवर्सिटी वाली वाइब होती है ना वो है यहाँ की, मजे का सीन है, लोग जो है गांव वाला से आते हैं, खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड है तो यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम ये काम पार्ट टाइम ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये बात है, अगर कोई देख रहा है गाँव वाला जो पार्ट टाइम खेती बाड़ी करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, रेंट पे जगह ले लें, आपको इवन जॉब भी मिल सकती है पार्ट टाइम यहाँ पे, क्या क्या पढ़ाई के साथ अर्निंग अभी से देख लो भाई, बिजनेस माइंडेड लोग हैं यहाँ के माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे तो हमने बॉयज से पूछा ही नहीं कि इनका एक्सपीरियंस अपना कैसा है यूनिवर्सिटी के साथ, यही बात है, तुम्हारे बीबीए के दोनों ही हैं बॉयज हैं, तो सर हमें बताएं ना कि वैसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें कि क्या आप 10 में से इस यूनिवर्सिटी को कितने नंबर देंगे। अगर देखा जाए तो पुरानी यूनिवर्सिटी के हिसाब से पुरानी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये पीछे से इशारा हुआ है कि इतने नंबर दे चार नहीं देखो एक और बात जो हम बताना भूल गए, पहले यूनिवर्सिटी होती थी G7 इस्लामाबाद में, यही बात है, वहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लॉक था बड़ा विशाल किस्म का, इन्होंने मुझे बताया, बट अब ये चेंज हो गया, इतनी बड़ी आ गई है, आलीशान यूनिवर्सिटी बन गई है, क्या था हॉन्टेड हाउस था, स्टूडेंट इतना ज्यादा था कि पूरा ही नहीं आता था, आधे स्टूडेंट बाहर बैठते थे यूनिवर्सिटी से और आधे यूनिवर्सिटी के अंदर बैठते थे, दरवाजों के हैंडल हाथों में आते थे, ओए होए होए, लेकिन अभी तो बहुत गेम इन्होंने उठा दिए फास्ट वाले ने, फास्ट वाले ने तो फास्ट कहां सो देना, इधर सो देना, इधर फास्ट गले में, अच्छा चले आप मुझे बताएंगे आप 10 में से कितने नंबर देंगे, 10 में से हम इसको देंगे 8, आप कितने देंगे, मैं 7 दूंगा, 7 देंगे, क्या कोई टीचर्स अटेंडेंस का रोला तो नहीं करते, टीचर्स जो है वो जो परमानेंट टीचर उनका बस उनकी अपनी मर्जी है, जब दिल करता है आते हैं जब दिल करता नहीं आते हैं, स्टूडेंट बेचारे जो है ना आके सोच लें भाई, बड़ी इतनी दूर है हमारी यूनिवर्सिटी, बड़ी डेंजरस बात कर रहे हैं, कल को अगर नंबर कम हुए ना यूनिवर्सिटी के बाहर चुके जाएगा, नहीं नहीं आर्मी का तो कोई यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं है ना, फिर वीगो का, अच्छा नहीं वीगो से डर, वीगो सर कैसे अंकल, अस्सलाम वालेकुम,